subscribe to our YouTube channel VanFin Multibaggers and press the bell icon to see the latest updates and videos. VanFin, discover opportunities, create wealth. कॉर्नर पे एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ते हुए NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के MD और CEO मिस्टर विक्रम लिमय जुड़ते हुए. विक्रम जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए आज वक्त निकालने के लिए SMEs की इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ने के लिए. अच्छा, सेपरेट प्लेटफॉर्म है आपका भी SMEs के लिए जो NSE इमर्ज, कैसा परफॉर्म कर रहा है सर? क्या NSE का दबदबा वहां भी बरकरार है? मार्केट शेयर के लिहाज से कैसा खड़े हुए आप? तो NSE इमर्ज जो हमने शुरू किया है वो SME IPO लिस्टिंग के लिए किया है एंड प्लेटफॉर्म इज़ डूइंग एक्सीडिंगली वेल. अभी करीब 120-122 कंपनी SME इमर्ज पे लिस्टेड है. करीबन 1700-1800 करोड़ रुपया कैपिटल रेज हुआ है NSE इमर्ज पे एंड द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ दीज कंपनीज इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंटली हायर. एक्चुअली अगर आप हमने एक इंडेक्स भी शुरू किया था, SME इंडेक्स शुरू किया था और वो SME इंडेक्स का जो पिछले साल का जो रिटर्न है वो करीबन 60-70% रिटर्न है रिलेटिव टू द निफ्टी विच वाज अबाउट 24-25%. सो द SME कंपनीज हैव ऑब्वियसली गिवन अ वेरी गुड रिटर्न टू इन्वेस्टर्स. और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जो हमने पिछले 4-5 महीने में देखा है कि SME कंपनीज़ में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का भी इंटरेस्ट काफ़ी है. तो पहले तो सिर्फ HNI और हाई नेटवर्थ का इंटरेस्ट था इन्वेस्टमेंट के लिए, अभी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का भी इंटरेस्ट SME कंपनीज़ में है एंड दैट इज़ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट. नहीं, यस, और यही रीज़न है सर इस SME की मुहिम शुरू करने का, SME का कवरेज शुरू करने का, क्योंकि तगड़ा आउट परफॉर्मेंस, कई सारी कंपनीज में बड़े निवेशक घुसते हुए तगड़े रिटर्न्स वो स्टॉक्स दे रहे हैं. तो जहाँ पैसा बन रहा है वहाँ पे हमें भी चेक करना है हो क्या रहा है और समझना है उस बाजार को. अच्छा, SME इसके लिए हम लगातार कई लोगों से, मिनिस्टर साहब जुड़े थे सर बुधवार को, तब उनसे भी बातचीत हुई थी, तो यही सवाल था कि जो एक्सेस टू कैपिटल है वो सबसे बड़ी चुनौती है SMEs के लिए, MSMEs के लिए इस देश में. अच्छा, ये जो एक्सचेंजेस का प्लेटफॉर्म है किस हद तक उस कमी की भरपाई कर पा रहा है? ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है फॉर कैपिटल रेजिंग फॉर SMEs एंड जैसे आपने कहा एक्सेस टू कैपिटल इज़ वन ऑफ द की ऑब्स्टिकल्स फॉर ग्रोथ ऑफ SMEs. तो NSE ने NSE इमर्ज एक्विटी IPO कैपिटल रेजिंग के लिए प्लेटफॉर्म किया है. वैसे ही एक डेट के लिए भी है NSE का, जो जॉइंट वेंचर SIDBI के साथ है और उसका नाम है रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड. दिस वॉज द फर्स्ट ट्रेड्स प्लेटफॉर्म जो कहते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म, वो हमने शुरू किया है SIDBI के साथ JV में और वो दैट प्लेटफॉर्म ऑल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. रिसेंटली बजट में भी अनाउंसमेंट हुआ, बजट के पहले भी अनाउंसमेंट हुआ कि लॉट ऑफ द PSU कंपनीज आर गोइंग टू बी रजिस्टरिंग ऑन द रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म. सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर डेट कैपिटल, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो इन्वॉइसेस है SMEs के वो इमीडिएटली डिस्काउंट होके SMEs को पैसा मिलता है एंड दैट इज़ बेस्ड ऑन द क्रेडिट ऑफ द कस्टमर. और SME का जो कस्टमर है वो लार्जर कंपनी होता है तो उसके क्रेडिट के हिसाब से रेट भी अच्छा मिलता है और पैसा भी तुरंत मिलता है. तो वो हमने डेट के लिए किया है, IPO और कैपिटल इक्विटी कैपिटल के लिए NSE इमर्ज किया है. वो जैसे मैंने बताया इज़ डूइंग एक्सीडिंगली वेल एंड सो वी आर ट्राइंग एज NSE वी आर फोकस्ड ऑन ट्राइंग टू सॉल्व बोथ प्रॉब्लम्स, इक्विटी कैपिटल एज वेल एज डेट कैपिटल फॉर SMEs. अच्छा, तगड़े रिटर्न जैसे मैं हाईलाइट कर रहा था, वो जो स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग्स हो रही हैं और जैसे आपने मेंशन करा आप, तो वो एंकर इन्वेस्टर्स के तौर पे तमाम बड़े प्लेयर्स जुड़ रहे हैं. मुझे बताएं रिटेल इन्वेस्टर्स, उनका भी क्या रुझान बढ़ रहा है? हाँ, आप लोगों ने वो सेफगार्ड के तौर पे हायर थ्रेशोल्ड लगा रखी है, उसके बावजूद क्या रिटेल का इंटरेस्ट, रिटेल का पार्टिसिपेशन इस प्लेटफॉर्म में, इस एक्सचेंज में बढ़ रहा है? रिटेल पार्टिसिपेशन भी अच्छा है और बढ़ रहा है एंड दैट इज़ बिकॉज द रिटर्न्स दैट SME कंपनीज हैव गिवन, मैंने जैसे बताया, आर फार इन एक्सेस ऑफ व्हाट द लार्जर मार्केट हैज़ प्रोवाइडेड एंड देयरफॉर देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिंग इन SME कंपनीज. आपने जैसे कहा थ्रेशोल्ड इज़ मच हायर, सो इट कैन नॉट बी दैट द यू नो एनीबडी कैन इन्वेस्ट. यू हैव टू हैव सर्टन अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट यू आर विलिंग टू रिस्क बिकॉज दीज आर स्मॉल कंपनीज. और जैसे हमने देखा है equity markets are not risk free, there will be volatility, there will be downturns,
So we want to make sure that the right kind of people invest in the SME companies. अच्छा लिमाय साहब मैं देख रहा था बेहद स्ट्रॉन्ग बेहद अच्छी आईपीओ पाइपलाइन है वो दिखाता है कि इन्वेस्टर्स का और साथ ही जो कंपनीज है उनका खुद कॉन्फिडेंस इस रूट पर बढ़ रहा है पर लार्जली मैं देख रहा था कंपनीज जो है वो गुजरात महाराष्ट्र इन ज्योग्राफीज में रिस्ट्रिक्टेड है खैर ऑब्वियस भी है शुरुआत इन्हीं से होती है इंडस्ट्रियल कहा जाता है स्टेट्स हैं लेकिन अवेयरनेस बढ़ाने के लिए बाकी रीजन्स में आप जैसी एक्सचेंजेस कुछ कर रही हैं कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह कर रही हैं या रीच आउट कर रही हैं बाकी एसएमईज को वो तो कंटिन्यूस प्रोसेस है और देर आर वेरियस अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री जहां से भी एसएमई आईपीओज हो रहे हैं नॉर्थ में हो रहे हैं दिल्ली में हो रहे हैं मध्य प्रदेश में हो रहे हैं तमिलनाडु में हो रहे हैं तो काफ़ी काफ़ी स्प्रेड आउट है इन टर्म्स ऑफ द इंटरेस्ट इन लिस्टिंग फ्रॉम एसएमईज एंड वी आर एक्टिवली एंगेज्ड इन वर्किंग विद नॉट ओनली एसएमईज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इंडस्ट्री एसोसिएशंस To spread the awareness, we do a lot of programs in various parts of the country in order to educate SMEs ki listing process kaisa hai, why it is an important thing to look at from a capital raising perspective, what kind of companies can list because that is also exceedingly important. One point I would like to emphasize ki NSE is very particular about the quality of companies that list. Kyunki isme kya hota hai ki these are companies that are small. So you have to make sure that their business model is robust, promoter quality is good, track record is good, they're trustworthy people with integrity. Kyunki agar do teen companies, if the wrong kind of companies list and there is the experience is bad, then it affects the entire market. अच्छा लिमाय साहब बी केयरफुल दैट वी मेंटेन क्वालिटी ऑफ कंपनीज अच्छा लिमाय साहब मुझे आप आए थे एसएमईज के बारे में बात करने एनएससी इमर्ज जो एनएससी का एक्सचेंज है एसएमईज के लिए उस पर खासतौर पर बात करने के लिए मुझे बताया गया है कि आप वो जो ग्लोबल टाइप और जो तमाम इश्यूज है विवाद चल रहे हैं उस पर आप बातचीत नहीं करेंगे लेकिन फिर भी सर हम सब आपसे जानना चाहते हैं एटलीस्ट उस ग्लोबल इशू पर बात नहीं करना चाहेंगे जो आप लोग डेटा शेयरिंग बंद कर रहे हैं लेकिन एनएससी का आईपीओ इसका तो हम सबको बेसब्री से इंतजार था अब तो लंबा टल चुका है सर क्या अपडेट है कब तक लाने की तैयारी है कहां तक पहुंचे देखिए मैंने पहले भी बताया कि आईपीओ का जो टाइमलाइन है वो दैट इज डिपेंडेंट ऑन सॉर्टिंग आउट ऑल द रेगुलेटरी इश्यूज दैट आर विद सेबी एंड दैट प्रोसेस इज ऑन गोइंग आई डोंट हैव अ टाइमलाइन फॉर यू बिकॉज सेबी हैज टू कम बैक on how it wants to take things forward and what the timeline would be for resolution. So once I have clarity on that, then we will be able to decide on a timeline for the IP. जब clarity आएगी तो आपके पास वापस आएंगे लेकिन विक्रम लिमाय साहब आज हमारे लिए वक्त निकालने के लिए हमारे इस SME corner में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत